सो वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे एल्गी, फिर देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या क्या देखेंगे? एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ मेरे को सही से सुन लो, जो जो मैं बता रहा हूँ याद कर लो। सारे स्टेट, पीएमटी, नीट, आईसीआर, जेड, बीएचयू, जिपमर, एम्स, जितने भी पेपर होते तुम्हारे, सारे दिए हुए मैंने, तो सिर्फ सुन लो और सारे सोल्व भी किए हैं, कहाँ से क्या आता है ये भी बताया, तो मेरे को सुन लो, सारे याद हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, प्योर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफाइसी, पीओफाइसी, रोडोफाइसी, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्या क्या? क्लोरोफाइसी, पीओफाइसी, रोडोफाइसी, एक एक करके देखते हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी बोले तो ऐसे याद रखो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कैसे कलर का? ग्रीन कलर का, ये बात क्लियर है। रोडोफाइसी, आर से रोडोफाइसी, आर से रेड एल्गी। ठीक है, और बीच का जो होता है वो ब्राउन एल्गी होता है। तो कंपेयर करते चलो, सारी चीज याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अपन कंपेयर करते सेल वॉल में। सेल वॉल इसकी बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन, क्या की सेलुलोज प्लस पेक्टिन, इसकी बनी होती है सेलुलोज प्लस एल्गिन, और एल्गिन जो होता है वो जिलेटिनियस कोटिंग होती है सेलुलोजिक वॉल पे। ठीक है, तो सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज प्लस एल्गिन, और इसकी बनी होती है सेलुलोज प्लस पोली सल्फेट एस्टर। तो ऐसे याद रखो पी ए पी पा, सेलुलोज तो तीनों में क्लियर है। ठीक है, सेलुलोज सेलुलोज सेलुलोज, पी ए पी याद रख लो, मतलब पेक्टिन, एल्गिन और पोली सल्फेट एस्टर, ये बात क्लियर है। तो सेल वॉल हमने कंपेयर कर ली। अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है कारा। कारा की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, बाकी सबकी किसकी? सेलुलोज और पेक्टिन की। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखो तो क्लोरोफिल ए बी कैरेटोनाइट, तो ऐसे याद रखो ए बी कैरेटोनाइट। अब ए बी आ गया तो अब ए सी, फिर ए सी आ गया तो अब ए डी, ऐसे याद रखो ए बी ए सी ए डी। ठीक है, इसमें हो गया कैरेटोनॉइड, इसमें हो गया फ्यूकोजेंथिन, कैरेटोनॉइड और जेंथोफिल। ठीक है, इसमें कैरेटोनॉइड, इसमें फ्यूकोजेंथिन, कैरेटोनॉइड और जेंथोफिल, और इसमें क्या हो गया फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, तो ये आपको पिगमेंट याद रखने हैं, आपको सेल वॉल याद रखनी है। अब देखो रिजर्व फूड क्या होता है इनमें? स्टार्च जो होता है रिजर्व फूड होता है क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में रिजर्व फूड होता है लेमिनेरिया और मेनिटोल, और साथ ही साथ रोडोफाइसी में रिजर्व फूड होता है फ्लोराइड एंड स्टार्च। कौन सा स्टार्च? फ्लोराइड एंड स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है, सिमिलर टू अमाइलोप्लेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये बात क्लियर है, तो तीनों की रिजर्व फूड आपको ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम्पल याद रख लो तीनों के, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, देखो इसका है क्लेमाइडोमोनास, कारा, कारा देख लिया सर, कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, कारा। क्या बोलोगे? यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, कारा। ठीक है, वॉलबॉक्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने क्लोरोफाइसी के। अब देखो फियोफाइसी की एग्जांपल, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सार्गासम। मेरे साथ बोलो एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सार्गासम। ठीक है, तो अभी आपको एग्जांपल चाहे याद नहीं भी हो रहे हो, पर अपन अभी चलेंगे फोन की स्क्रीन पर, वहां पे एक एक एग्जांपल का पढ़ेंगे, कौन एप्लोन्टिक है, कौन डिप्लोन्टिक है, तो इनकी स्पेशलिटी पढ़ेंगे, इनके डायग्राम देखेंगे, तब आपको सारे एग्जांपल वहां पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे ही रफ याद रखो, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सार्गासम, और एक और शानदार एग्जांपल इसमें कैल्च, जिसकी हाइट होती है 100 मीटर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो रोडोफाइसी के एग्जांपल देखो, पोलीसाइफोनिया, गैलिडियम और गैलीसेरिया। क्या बोलोगे? पोलीसाइफोनिया, गैलिडियम और गैलीसेरिया, और अगर अगर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर अगर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, ये बात ध्यान रखना, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, कौन? अगर अगर। ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, कौन? अगर अगर। तो अगर अगर का दो काम है, एक तो यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे क्लोरोफाइसिस होता है मोस्ट एडवांस होता है। ठीक है, अब मोस्ट एडवांस है तो यहाँ पे 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। कितना है? 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और इसमें कितना होता है? 2 अनइक्वल होते हैं पर लेटरली अटैच होते हैं, क्योंकि ये कम एडवांस है, और ये तो बिल्कुल कम एडवांस है, तो ये तो बिल्कुल फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ये फ्रेश वाटर में रेयर फाउंड होते हैं, कौन? फियोफाइसी, मतलब ब्राउन एल्गी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं थोड़े आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, आज अपन ब्रायोफाइट तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे। ओके, तो आप आ गए हो मेरी फोन की स्क्रीन पे, अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में अभी जो भी अपन ने डिफरेंस देखे वो यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पोस्ट करके अच्छी क्वालिटी में। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म दे रखी है, जैसे कीमोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ पूछा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता और ना पूछा जाएगा।
ठीक है, क्योंकि क्या है देखो, कीमो कीमो मतलब केमिकल, तो केमिकल पे बेस पे, साइटो मतलब साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम, ठीक है, न्यूमरिकल मतलब न्यूमरिकल 1 2 3 4, ठीक है। तो पूछा क्या जाता है आर्टिफिशियल में कि आर्टिफिशियल सिस्टम गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल सिंस द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली इफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, और कहाँ सेक्सुअल कैरेक्टर एक से एक शानदार कैरेक्टर, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। आगे चलो, अब बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी में इतना ही बताऊंगा जितना पूछा जाता है नीट में, जितना है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एल्गी जो है मोस्टली एक्वेटिक होता है, पानी वाला होता है, सबको पता है एल्गी पानी में ही होती है, ठीक है। एल्गी आर एसोसिएटेड विथ एनिमल जिसका एग्जाम्पल है स्लोथ बियर, तो ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बेकूवी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, एल्गी जो है 3 तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव में क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन करेगा और डेवलप होगा थैलस में, ठीक है। सेक्सुअल में वही फ्यूजन ऑफ गैमेट, और असेक्सुअल में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मोस्ट कॉमन जू स्पोर, मोस्ट कॉमन जू स्पोर। अगर मैं बात करूँ एल्गी के एग्जाम्पल की, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है, तो इन दोनों का एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कंपेयर करके दे रखा है कि क्लेमाइडोमोनास जो है उसके जो स्पर्म है वो सिमिलर इन साइज के हैं और फ्लेजिलेटेड है, और फ्लेजिलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे ही होंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। और स्पायरोगायरा के जो है सिमिलर है, साइज में सिमिलर है पर फ्लेजिलेटेड नहीं है, और फ्लेजिलेटेड नहीं है तो नॉन मोटाइल है। तो ये बात ध्यान रखना कि स्पायरोगायरा के जो स्पर्म है, स्पर्म बोल लो, वो जो है नॉन फ्लेजिलेटेड है, और नॉन फ्लेजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल है पर सिमिलर इन साइज है, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्लेमाइडोमोनास। चलो आगे चलो, अब देखो यहाँ पे थैलस का बता रखा है, कभी नहीं पूछते नीट में, सिर्फ इतना पूछा जाता है जो यहाँ पे कॉलोनियल फॉर्म में, ये जो कटा हुआ है इसका नाम है कॉलोनियल फॉर्म, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स। तो यही पूछा जाता है कि कौन सी एल्गी जो है कॉलोनियल फॉर्म की है, आंसर है वोल्वॉक्स, बात खत्म, इतना पूछते हैं। अब अपन 3 एल्गी के क्लोरोप्लास्ट देखेंगे कि 3 एल्गी के क्लोरोप्लास्ट किस शेप के हैं। तो 3 एल्गी में से लकी 3 एल्गी कौन है, वो एक तो क्लेमाइडोमोनास, एक स्पायरोगायरा जो ऊपर अपन देखी थी, एक है यूलोथ्रिक्स, क्या नाम है, यूलोथ्रिक्स। तो देखो ऐसे याद हो जाएंगे, स्पायरोगायरा तो कैसा क्लोरोप्लास्ट होगा, स्पायरल, SPIR आ गया, पहला आंसर तो हो गया। दूसरा क्लेमाइडोमोनास, सी से क्लेमाइडोमोनास, सी से कप शेप, बात खत्म, मोहित गोर का कप केक नहीं है ये है कप शेप, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, और यूलोथ्रिक्स में होता है गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कभी भी। अब देखो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी अपन ने इतना अच्छा देखा लेक्चर में, तो ये भी देख लो कि किसमें वेजिटेटिव किसमें रिप्रोडक्टिव। तो पहली वाला क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है भाई, दोनों होंगे शानदार तरीके से होंगे, दूसरे वाले में वेजिटेटिव नहीं रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे, और तीसरे वाले में तो दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि डीपेस्ट एल्गी और पर बहुत लोअर एल्गी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखो एक्सेप्शन, स्पायरोगायरा जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफाइसी का, ग्रीन एल्गी का, ये बात क्लियर है। और ग्रीन एल्गी के सारे जो है मोटाइल होते हैं, पर स्पायरोगायरा हमने आगे भी देखा और अभी भी देख रहे हैं कि नॉन मोटाइल है। तो नॉन मोटाइल है तो इसको पानी की जरूरत पड़ेगी फर्टिलाइजेशन के लिए, ये बात क्लियर है। इसके स्पर्म को, इसके गैमेट को काय की रिक्वायर्ड होगी, पानी की रिक्वायर्ड होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है मैंने कि सम ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लो अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वाटर होल्ड कर ले, ठीक है। कौन कौन से, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ब्राउन कौन सा और रेड कौन सा, कराजिन ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड एल्गिन ऑप्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ठीक है, एल्गिन ऑप्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड कराजिन ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी यूज्ड इन कमर्शियली, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है कुछ जो कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से मिलते हैं, मतलब फियोफाइसी और रोडोफाइसी से, ठीक है। एग्जाम्पल बोल दिया मैंने, एल्गिन से मिलता है ब्राउन एल्गी और केराजिन ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है। आगे चलो, अब देखो ये क्वेश्चन बनते हैं कि कौन हैप्लोन्टिक कौन डिप्लोन्टिक, ठीक है। तो ऐसे याद रखो एल्गी जो होती है सारी हैप्लोन्टिक होती है, पर बोल रहा हूँ मैं, एल्गी जो होती है सारी हैप्लोन्टिक होती है पर एक्टोकार्पस, पोलीसाइफोनिया और केल्प्स, ठीक है। ये केल्प्स किसका एग्जाम्पल था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी, फियोफाइसी का एग्जाम्पल था, मैंने बोला था 100 मीटर हाइट होती है, ठीक है। तो एक्टोकार्पस, पोलीसाइफोनिया और केल्प्स ये होते हैं हैप्लो डिप्लोन्टिक, क्या बोलोगे, हैप्लो डिप्लोन्टिक। देखो हैप्लोन्टिक तो सारी एल्गी, उसके पीछे लगा दो डिप्लोन्टिक, हैप्लो डिप्लोन्टिक, क्योंकि डिप्लोन्टिक आने वाले हैं, ठीक है। जैसे फ्यूकस, फ्यूकस क्या हो गया, डिप्लोन्टिक। तो ऐसे ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो कि पूछे ही जाते हैं, और एग्जाम्पल मोस्टली फ्यूकस पूछा ही जाता है, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है इसमें वो होता है यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, कैसे होता है, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, और एल्गी में भी यही होते हैं और फंजाई में भी यही होते हैं, ठीक है। पर कारा, कारा से कैसे बचोगे, कारा आपको 12th की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, इसका एक और नाम है स्टोन वुड, इसके सेक्सुअल ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की इसकी सेल वॉल होती है, ये बात क्लियर है, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन आइसोगेमस, कौन एनाइसोगेमस, कौन ऊगेमस। पर इससे पहले एक बात ध्यान रख लो, मोटिलिटी तो हमेशा मेल गेमेट में ही होगी, फीमेल गेमेट तो बेटा रहेगा, जैसे अंडा बेटा था फेलोपियन ट्यूब में, सेम वैसे ही। ठीक है, तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। अब चलो तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस के। ठीक है, आइसोगेमस बोले तो सेम सिमिलर साइज के गेमेट। अरे सर, फीमेल का गेमेट और मेल का गेमेट कैसे सिमिलर हो गया? फीमेल तो इतना बड़ा अंडा रखती है, मेल तो छोटा सा स्पर्म रखता है। तो भाई तभी तो ये मोस्ट प्रिमिटिव है, तभी तो ये मोस्ट प्रिमिटिव है। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। हाँ भाई, ये वही यूलोथ्रिक्स है जिसका क्लोरोप्लास्ट जो है गर्डल शेप का होता है। ठीक है, अभी अपन ने बात करी। अब देखो एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस में क्या होता है, मेल का जो गेमेट होता है वो छोटा होता है, फीमेल का गेमेट जो होता है बड़ा होता है। हाँ सर, ये बढ़िया बात लगी हमें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। क्या नाम है? डोरिना नहीं, यूडोरिना। ठीक है, अब देखो ऊगेमस, ये है मोस्ट एडवांस टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, मोस्ट एडवांस टाइप का होता है, सेम अपनी तरह, मतलब स्पर्म तो है धमाधम स्विम करते हुए आएगा और अंडा जो है स्टैटिक मूवमेंट पे रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, स्टैटिक रहेगा। ठीक है, एक जगह स्थिर रहेगा। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, ठीक है, पोलीसाइफोनिया। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कारा भी याद रख लो चाहो तो। ऊगेमस, एनाइसोगेमस और आइसोगेमस। आगे चलते हैं, अब जो जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो किस में एब्सेंट होता है? एल्गी में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ जायगोटिक मियोसिस किस में? एल्गी में। एब्सेंस ऑफ ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में? एल्गी में। लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक, हमने मोस्टली तो हैप्लोन्टिक ही देखी ना, वो बात अलग है, फ्यूकस डिप्लोन्टिक था, बाकी तो मोस्टली हैप्लोन्टिक थी, किसमें? एल्गी में। तो ये जो चार फीचर है ये कॉमन होते हैं एल्गी और फंजाई में, एम्ब्रियो एब्सेंट, प्रेजेंस ऑफ जायगोटिक मियोसिस, एब्सेंस ऑफ ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड लाइफ साइकिल इज हैप्लोन्टिक। ठीक है, और देखो टॉप पे लाइन देखो, बेस्ट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन ग्रीन एल्गी। अरे भाई, वो तो मोस्ट एडवांस टाइप की एल्गी थी। अब ऊपर देखो कुछ मैराइन एल्गी के एग्जाम्पल है, जैसे प्रोफाइरा, लिमिनेरिया, सार्गासम। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 70% स्पीसीज यूज्ड एज अ फूड, किसकी? मैराइन एल्गी की। ठीक है, चलो आगे चलो। अब देखो कुछ स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, ग्रीन एल्गी की, ब्राउन एल्गी की, रेड एल्गी की। तो ऊपर है ग्रीन एल्गी की, ठीक है, फिर है ब्राउन एल्गी की, फिर है रेड एल्गी की। ठीक है, तो इनका एक एग्जाम्पल अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल है इसका नाम है वॉल्वॉक्स। क्या नाम है? वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स में जो है छोटी छोटी जो कॉलोनी है उसको हम बोल रहे हैं डॉटर कॉलोनी, और बड़ी बड़ी जो कॉलोनी है वो है पेरेंट कॉलोनी। तो ये बात ध्यान रखना, डॉटर हमेशा छोटी होती है। ठीक है, दूसरी में फ्लैजिला है, और फ्लैजिला है तो ये क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगायरा तो हो भी नहीं सकता, तो यही है वो क्लेमाइडोमोनास, अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, अगला ये जो बदमाश सा दिख रहा है ये है कारा। क्या है ये? कारा, जिसकी एक्सिस ये है, और एक्सिस ये है तो एक्सिस से क्या निकलती है? ब्रांचेस, बात खत्म। तो ये होगी ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल। आगे चलो ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है लेमिनेरिया। क्या नाम है? लेमिनेरिया। देखो फ्रॉन्ट है ऊपर, क्या है सबसे पहले? फ्रॉन्ट। ठीक है, फिर है स्टाइप, नीचे क्या है? स्टाइप। ऊपर क्या है? फ्रॉन्ट। और फटाफट पकड़ लो, मतलब होल्ड फास्ट, जल्दी से पकड़ लो भाई, जाने वाला है, होल्ड फास्ट कर लो इसको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? लेमिनेरिया का। अब देखो फ्यूकस, और ये वही फ्यूकस है जो कि डिप्लोन्टिक होता है। ठीक है, तो वही देखो एयर ब्लेडर दिख रहे हैं तुम्हें, छोटे छोटे छेद, तो ये तो हो गए एयर ब्लेडर। बीच में से रिब जा रही है तो मिड रिब। ठीक है, और जहां से जा रही है वो है फ्रॉन्ट। ये देखो यहाँ पे भी फ्रॉन्ट था, यहाँ पे भी फ्रॉन्ट है, यहाँ पे एयर ब्लेडर है, किसमें है? ये फ्यूकस में। ठीक है, इसको भी फटाफट पकड़ लो, होल्ड फास्ट। अब अगला एग्जाम्पल है डिक्टियोटा। देखो सेम है, फ्रॉन्ट है इसमें भी और स्टाइप है इसमें भी। ठीक है, सेम पहले वाले की तरह है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया रेड एल्गी। रेड एल्गी में प्रोफाइरा और पोलीसाइफोनिया। ठीक है, तो इसमें भी सेम फ्रॉन्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना कि बस ये प्रोफाइरा है। ठीक है, अबे पोलीसाइफोनिया देखो सेम है, मेन एक्सिस और उससे निकल रही है ब्रांचेस। ठीक है, तो ये तो हो गए स्ट्रक्चर सारे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के। ये हो गई टेबल जो कि मैंने वहीं आपको बता दी है मेरी स्लाइड पे। ठीक है, एक बार देख लेना एनसीईआरटी की टेबल। अब देखते अपन ब्रायोफाइट क्या होते हैं। अब देखो ब्रायोफाइटा के लिए मैं जो जो बात बता रहा हूँ वो सुन लो, अपने दिमाग में छाप लो, प्रिंटिंग कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी स्टेट पीएमटी, नीट, जेट, आईसीआर, एम्स, बीएचयू, जिपमर, जितनी भी स्टेट पीएमटी होती थी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट सबसे पहले तो ये याद रखो हैप्लोइड है। ठीक है, और ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता जायगोट इसका। ठीक है, इसमें पेरेन्काइमा फर्स्ट डेवलप हुआ, फर्स्ट टेरिस्टाइल प्लांट है ये, इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफिटिक है। ठीक है, तो या तो ये पॉइंट्स आप खुद लिख लो जो जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर यहाँ पे देखते जाओ, देखो मैंने लिखा हुआ है, सही से देखोगे ना आराम से तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसमें पेरेन्काइमा फर्स्ट डेवलप हुआ, फर्स्ट टेरिस्टाइल प्लांट है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, जायगोट एंड टू एंड रिडक्शनल डिवीजन नहीं जाता है। ठीक है, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम हम इसे बोलते हैं, तो ये भी पूछा जाता है कि किसे हम एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं भैया? ब्रायोफाइट। ठीक है,
अब देखो और क्या दिखाऊं मैं इसमें आपको। हाँ ये बात ध्यान रखना कि ये क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल तो आ गया यहाँ पे ठीक है, पर अभी तक ये एवेस्कुलर है, यही ड्रॉबैक है इसका सबसे बड़ा, क्या कि ये एवेस्कुलर है ठीक है। फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक है, क्रिप्टोगेम है, क्रिप्टोगेम मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन, और फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक मतलब एम्ब्रियो आ गया सर ठीक है। ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये बात ध्यान रखना ठीक है। नॉट सक्सेसफुल टेरिस्टियल प्लांट, क्योंकि मैंने बोला था ये एवेस्कुलर है ठीक है, क्योंकि वेस्कुलर कौन होते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मतलब वेस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट है ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या याद रखोगे कि इसका थैलस, थैलस बोले तो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं है, पर इसका थैलस जो है मॉल एलोबरेट है एल्गी से, भाई एल्गी से आगे आ रहा है तो एल्गी से एलोबरेट भी होगा इसका थैलस ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रोल किसका है, ब्रायोफाइट्स का ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो तो लीवरवुड है, और लीवरवुड में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है गेमेटोफाइट पे, तो एलजी ऐसे याद रखो, लीवरवुड में स्टोमेटा कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, एलजी मतलब गेमेटोफाइट में, एलजी की टीवी है ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिदिक्शिया और मार्केशिया ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कि लीवर में स्टोमेटा फाउंड होता है गेमेटोफाइट पे, और मोजेस में स्टोमेटा फाउंड होता है स्पोरोफाइट पे, ये बात ध्यान रखना। तो MS धोनी, अरे सर क्या बात कर दी, और LG की टीवी ठीक है। अब देखो ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ याद रख लो तो बड़े सुखी जीवन हो जाएगा, डिपेंडेंसी ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गेमेटोफाइट, डिपेंडेंसी ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गेमेटोफाइट इज द यूनिक फीचर ऑफ प्रायोफाइट, ये लाइन याद रखना ठीक है, बहुत आसान जीवन हो जाएगा। डिपेंडेंसी किस बात की, फूड की, वाटर की ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेक्स ऑर्गन जो इस तरह इसके हैं मल्टी सेलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं ठीक है। रिप्रोडक्शन ऊगेमस, अरे यार ब्रायोफाइट है तो मोस्ट एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा वो, तो ये वेस्कुलर नहीं है वरना अब तक तो सर सबको पछाड़ देता ठीक है। अब इसका मेल पार्ट जो होता है वो होता है एंथ्रीडियम, और फीमेल पार्ट जो होता है वो होता है आर्किगोनियम ठीक है। तो आर्किगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप का होता है, ये बात ध्यान रखना ठीक है। तो एंथ्रीडियम जो है जिसका गेमेट होता है कोमा शेप का, बाइफ्लेजिलेटेड का, वो करता है कीमोटेक्टिव मूवमेंट और पानी के सहारे जाता है फीमेल के पास। फीमेल पहले ही बोल देती है वाटर रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन, मेल का गेमेट बोलता है भाई पानी के सहारे आ रहा हूँ, आने दे आने दे, और यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस जो शुगर है वो अबंडेंट रहता है ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना तुम तो कि ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लो डिप्लोंटिक होती है, भाई डिप्लोंटिक आने वाली है अब ध्यान रखना, क्योंकि पहले हैप्लोंटिक पढ़ी अब हैप्लो डिप्लोंटिक पढ़ रहे हैं, और आगे आने वाली होगी वो डिप्लोंटिक होगी ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया फाउंड इन रिक्शिया, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आर्किगोनिया फाउंड कहीं में होते हैं, रिक्शिया में जिसमें फूड भी एबसेंट होता है और सीटा भी एबसेंट होता है ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड स्पोरोफाइट एंड आर्किगोनिया जो मिलते हैं फ्यूनेरिया में मिलते हैं ठीक है, तो रिक्शिया में सबसे लेस और मोस्ट डेवलप्ड मिलते हैं फ्यूनेरिया में। अब आगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो याद करते चलो, क्योंकि यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है जो किसी काम का नहीं है ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखो एक्सपेगनम जो है मोस का एग्जाम्पल है, और क्या काम आता है, मेन काम है इसका पैकेजिंग एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, क्यों, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और थोड़ा बहुत ध्यान रखना हो तो ग्रिड एब्जॉर्बेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है, यहाँ पे पढ़ लेना ठीक है। और आपको याद रखना है हाँ ये कि साइकल्स की स्टेम जो होती है अनब्रांच होती है ठीक है, वैसे तो ये आगे आएगा जिम्नोस्पर्म में, पर मैं बता रहा हूँ अभी से कि साइकल्स की स्टेम जो होती है अनब्रांच होती है, और साइकल्स जो होता है डायोशियस होता है ठीक है। और पाइनस और सिड्रस की स्टेम जो होती है ब्रांच होती है, पाइनस और सिड्रस की स्टेम ब्रांच होती है, और पाइनस जो होता है मोनोशियस होता है, और साइकस जो होता है डायोशियस होता है। मोनोशियस मतलब एक ही घर में दोनों, मतलब मेल भी फीमेल पार्ट भी दोनों एक ही में, और डायोशियस मतलब दो अलग अलग घर ठीक है, ऐसे याद रखो। अब देखो मोस प्लस लाइकेन, मोजेस प्लस लाइकेन बनाते हैं कॉलोनियल रॉक जिसका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ठीक है। फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, दे रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, देखो कितनी बड़ी बात है कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे ये डायग्राम दे रखे हैं तो आप देख लेना कि आर्किगोनियोपोर मतलब फीमेल, एंथ्रीडियोपोर मतलब मेल ठीक है, गेमा कप दोनों में सेम, राइजोइड दोनों में सेम ठीक है। लीव्स क्या है, ये लीव्स दिख रही है आपको, कैप्सूल दिख रहा है भाई, कैप्सूल की तरह बन रहा है ठीक है। नीचे वाला गेमेटोफाइट, ऊपर वाला स्पोरोफाइट ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये एग्जांपल ध्यान रखना, डायग्राम ध्यान रखना, ब्रायोफाइट्स आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म खत्म कर देंगे, फिर आपका ये चैप्टर भी खत्म ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, और थैंक यू।